The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेग मान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। द ऑल्टीट्यूड ऑफ द लैंडर मॉड्यूल विल रिड्यूस फ्रॉम 7.4 किलोमीटर्स टू 6.8 किलोमीटर्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट फेज विच इज गोइंग टू बी द एटीट्यूड होल्ड फेज. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. आरयूसीसी अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग लगभग 370 किलोमीटर क्षैतिज दिशा में चल चुका है। द मिशन ऑपरेशन टीम इज एनालाइजिंग द डेटा. वी कैन ऑल सी द सीरियसनेस एंड द कॉन्सेंट्रेशन विद विच ईच एंड एवरी पैरामीटर ऑफ द लैंडर मॉड्यूल इज बींग एनालाइज्ड. द परफॉर्मेंस सो फार सीम्स टू बी नॉमिनल. जी आरुषि, चूंकि एएलएस एक्टिवेट किया जा चुका है इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड आर्डर गाइडेंस पॉलीनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूं कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर यह भी देख सकते हैं चंद्रयान 3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले. द लैंडर इमेजर इज कंटिन्यूअसली टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ द मून सरफेस एंड दैट इज आल्सो बीइंग स्ट्रीम्ड हियर. करेंटली द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हैज बीन ब्रॉट डाउन एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें
तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough breaking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough breaking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 से 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई, अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। द आल्टीट्यूड ऑफ लैंडर फ्रॉम ग्राउंड इज करेंटली 12 किलोमीटर, इज करेंटली 22 किलोमीटर, विच इज अगेन गोइंग टू बी कमिंग डाउन, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड। For the viewers who have joined now, we are in the power descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We have currently travelled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has to be travelled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। एट द सेम टाइम वी कैन सी द आल्टीट्यूड ऑफ द लैंडर इज जस्ट 17.8 किलोमीटर फ्रॉम द मून सरफेस, विच इज गोइंग टू बी अराउंड 7.4 एट द एंड ऑफ द रफ ब्रेकिंग फेज। इस फेज के बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स द एटीट्यूड होल्ड फेज वेयर वी विल बी एक्सपेक्टिंग सेंसर अपडेट फ्रॉम द लेजर एंड कार बैंड ऑल्टीमीटर्स। We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट अल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ, हम अपने जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं।
Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एटीट्यूड होल्ड फेस भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेस ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेस के उपरांत लगभग लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally, and we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module, and we can see that the down range traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेस के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। लॉट ऑफ अप्लॉज indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर क्या हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। वी आर अबाउट द लैंडिंग साइट, द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज द वर्टिकल वेलोसिटी is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है,
लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकंड हाइवरिक फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on, and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only two engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल पीपल आर अप्लॉडिंग लेट अस ऑल वेट टू हियर फ्रॉम द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन इसरो श्री एस सोमनाथ। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के।